सामाजिक संस्था भारतीय मानव अधिकार न्याय सुरक्षा परिषद नई दिल्ली शाखा खरगोन के बैनर तले खरगोन में एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें खरगोन कसरावत सनावत बढ़वा के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। सभी नए पदाधिकारियों को पद प्रमाण पत्र बांटे गए। सभी को अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कार्यकारिणी गठित की गई। महिला प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष तृप्ति महाजन ने सभी पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। सभी को मिलजुल कर एकता बनाकर संगठन में कार्य करने के बारे में बताया। मानव अधिकार के क्या क्या कार्य और कैसे दीन दुखियों की मदद करे, इसके बारे में जानकारी से अवगत कराया। खरगोन जिला अध्यक्ष अंतिम शुक्ला ने भी सभी का आभार मानकर संस्था को एक दिशा देते हुए सुचारू रूप से चलाने की समीक्षा करवाई। इसके बाद खरगोन जिला अस्पताल में जाकर मरीजों को फल वितरित किए गए। मानव अधिकार न्याय सुरक्षा परिषद खरगोन की पूरी टीम के द्वारा औचक निरीक्षण भी किया गया, जिसमें मरीजों से मिलने के बाद कई कमियां पाई गई। मरीजों के द्वारा बताया गया कि यहां समय पर हमें बेड एवं बेडशीट की कमी पाई गई, जिसमें कई मरीज बेड ना होने के कारण नीचे सोए पाए गए। अस्पताल में रविवार होने के कारण कई मरीजों को सुविधा से वंचित देखा गया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले में नगर पालिका